देखो फर्स्ट फिगर में ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये रिंग आर, ये ब्रश आर वन है, वो बी वन है, और यहाँ रिंग जो लगा हुआ वो आर वन, ठीक है। ये बी टू है और इसमें जो रिंग लगा हुआ आर वन, आर टू, आर टू किससे अटैच था, ए बी से, और हमेशा ए बी से ही अटैच रहेगा। ए बी वाली साइड में फर्स्ट फिगर में डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, ध्यान रखना ए से बी की तरफ करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे था ये, ऐसे होके इस तरह से आ गई। नेक्स्ट फिगर में जो ये रिंग था R2, ये किसके कांटेक्ट में आ गया, B1 के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन AB वाली में कहाँ से, B से A की तरफ हो गया, है ना। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट फिगर में A से B की तरफ करंट का डायरेक्शन, और सेकंड में क्या हो गया, B से A की तरफ। ये किसकी वजह से हो रहा है, केवल इन रिंग्स की वजह से, क्यों, क्योंकि पहले R2 किससे था, B2 से अटैच था, तो करंट B2 से जा रहा था, B2 से R2 और R2 से AB में होते हुए। अब क्या होता है, करंट ये B2 आ जाएगा इसके कांटेक्ट, ये जो रिंग है, रिंग R2 इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और रिंग R1 इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ऐसे चलेगा, क्योंकि ये D है ये C है, तो D से C की तरफ और C से B और B से A की तरफ। तो AB वाली साइड में पहले फिगर में करंट का डायरेक्शन ए से बी था, और आधा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, बी से ए की तरफ हो गया। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, और हमने यही पढ़ा था, जो कम्यूटेटर रिंग्स हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर, ए बी वाली में देखा, अब जरा सी डी वाली में देखते हैं। देखो फर्स्ट फिगर में ए बी सी डी, फर्स्ट फिगर में सी डी वाली आर में करंट का डायरेक्शन है सी से डी की तरफ है। जब ये आधा रोटेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डी से सी की तरफ है, पूरा डायरेक्शन चेंज। ये डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रहा है, जो ये कम्यूटेटर हाफ रिंग्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो इस पोजीशन चेंज करने की वजह से ए बी में और सी डी में हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा।